Hey guys, welcome to my channel. Theory Guru Professor Raspit Kaur here. So finally, बहुत सारे demands के बाद, बहुत सारे बच्चों के messages के बाद, मैंने काम करना शुरू कर दिया है company law unit 2 के ऊपर. तो इस बार थोड़ा सा criteria मैंने change करा है बच्चे. Earlier जो आपको unit 1 मिला है, वो 100% complete unit 1 मिला है company law का. तो अब जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो एज पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सोचा है कि प्रोवाइड करूं. जैसे कि देखो, अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मेंबरशिप इन अ कंपनी यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है. तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पूरे चैप्टर में से, वो है व्हाट इज मेंट बाय द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डिस्कस देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. अब देखो, इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. कैसे? एक तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 15 मार्क्स में काफी बार. दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर. एक और शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर, ठीक है. और उसके अलावा उनकी राइट्स और ड्यूटीज. तो थोड़ा सा क्राइटेरिया हम चेंज करके चलेंगे इस बार, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सके और क्वेश्चन फॉर्म में कर सके, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंबर कौन होता है. The term member refers to a person whose name appears on the register of members. बच्चा, कंपनी का एक रजिस्टर होता है, ठीक है. उस रजिस्टर में जिसका भी नाम लिखा जाएगा, वो कंपनी का क्या बन जाता है? मेंबर. As per section 2, subsection 55, पहली चीज, कोई भी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, मतलब जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप सब पढ़ चुके हो, है ना. तो मेमोरेंडम को जो भी सब्सक्राइब करता है, मेमोरेंडम को, ये माना जाता है कि वो एग्री कर रहा है कि वो मेंबर बनेगा. और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसका नेम उस रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है, ठीक है, उसी टाइम वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है. या फिर और कोई भी पर्सन जिसने रिटर्न में एग्री करा है, रिटर्न में क्या एग्री करा है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं, और जैसे ही उसका नेम रजिस्टर में लिख दिया जाएगा, वो क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर. ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, हर वो पर्सन जिसने शेयर्स होल्ड करे हैं, होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर. जैसे मैंने मान लो कंपनी के शेयर्स परचेज करे और मेरा नेम रजिस्टर में एंटर कर लिया गया एज बेनिफिशियल ओनर, तो मैं क्या बन गई? कंपनी की मेंबर. वेरी गुड. अब ध्यान से देखो लास्ट पे क्या लिखा है. नोट, The person desirous of becoming a member of a company must have the legal capacity of entering into an agreement in accordance with the previous provisions of the Indian Contract Act 1872. देखो बच्चा, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम 1872 पढ़ चुके हैं, है ना. तो उसमें आपने कुछ प्रोविजंस पढ़ी थी, और उस प्रोविजन में से एक प्रोविजन थी कि बंदा लीगली कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. अब लीगली कैपेबल मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए. तो ये लीगल कैपेसिटी होती है, याद आया ना कुछ कुछ. हाँ, तो वो बंदा साउंड माइंड वाला होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. तो कहते हैं अगर आप कंपनी का मेंबर बनना चाहते हो, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर लीगल कैपेसिटी वाला पॉइंट था, वो पॉइंट के ऊपर बंदा खरा उतरना चाहिए, ठीक है. अब ये था सारा मीनिंग मेंबर का. इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो जिस भी पर्सन का नेम रजिस्टर में लिखा गया, वो बंदा क्या बन जाता है? कंपनी का मेंबर. वेरी गुड. अब आ जाओ शेयर होल्डर. वैसे तो आपको पता ही है शेयर होल्डर क्या होता है. कोई भी पर्सन जिसने कंपनी के शेयर्स होल्ड करें, ठीक है, रेफर्स टू अ पर्सन हु होल्ड्स शेयर्स इन अ कंपनी. A holder of share become a member only when his name is entered in the register of members. देखो, मैंने shares ले लिए company के, तो मैं share holder तो बन गई, लेकिन मैं member कब बनूंगी? जब मेरा name उस register पे लिखा जाएगा, तब मैं बनूंगी member, ठीक है. अब बड़ी सीधी सी बात है, जितने भी share holders होते हैं, ठीक है, वो company के members definitely होते हैं. क्योंकि जब भी कोई शेयर्स परचेज करता है, तो सूनर और लेटर उसका नेम जो है वो रजिस्टर में लिखा जाता है एज बेनिफिशियल ओनर. लेकिन जितने भी मेंबर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स होंगे. तो
तो क्या बोल रही हूं मैं, ऑल द शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स टू. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कंपनीज होती है जैसे हमने पढ़ी है ना, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज, ये कंपनीज की जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होती. ठीक है, अब देखो जिनकी शेयर कैपिटल ही नहीं होती उसके तो शेयर होल्डर भी नहीं होंगे. शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर कहां से होंगे भाई? लेकिन इनके मेंबर्स होते हैं. दे डोंट हैव शेयर होल्डर्स बट दे डू हैव मेंबर्स. तो इसका मतलब जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो तो मेंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स शेयर होल्डर नहीं होते. अब मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, एक और पॉइंट. अब ये भी जो है ना मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, ये भी आपको 5 मार्क्स में कई बार आया है. तो इसमें देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कहते जब भी हम जैसे ही किसी पर्सन को शेयर वारंट इश्यू करते हैं, शेयर वारंट अर्लियर वीडियोस में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, जिसको नहीं पता तो वो वीडियो देख लेना. ठीक है, तो जैसे ही किसी पर्सन को शेयर वारंट इश्यू किया जाता है, ठीक है, इमीडिएटली उसका नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स. तो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जब किसी को शेयर वारंट इशू किया वो शेयर होल्डर तब भी है लेकिन वो मेंबर नहीं है. अ होल्डर ऑफ अ शेयर वारंट इज अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर. क्यों? क्योंकि उसका नेम इज स्ट्रक ऑफ द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ द शेयर वारंट. तो जैसे शेयर वारंट इशू किया जाता है इमीडिएटली उस रजिस्टर में से उस बंदे का नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट. अब जैसे अभी बात करी मैंने ऊपर की कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, भाई उनकी शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर कहां से होंगे? तो शेयर होल्डर नहीं है, दे कैन हैव नो शेयर होल्डर्स बट दे डू हैव मेंबर्स. सेम पॉइंट. ठीक है, फिर आ गया, कहते अ पर्सन हु सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब जैसे मान लो मैंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, ठीक है, तो मेरा नाम इमीडिएटली रजिस्टर में चढ़ा दिया जाएगा, मैं क्या बन गई? मेंबर. इवन दो नो शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम, मुझे कोई शेयर नहीं अलॉट करा गया पर मैंने जैसे ही मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा तो क्या हुआ, मेरा नेम रजिस्टर में लिखा गया. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, अब ट्रांसफरर कौन होता है? पता है ना सबको, ट्रांसफरर कौन होता है? जो शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है. मान लो मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, अब मैंने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया लेकिन मैं तब भी मेंबर रहूंगी जब तक मेरा नाम रजिस्टर में से स्ट्रक ऑफ नहीं किया जाएगा. अ ट्रांसफरर इज अ मेंबर सो लॉन्ग एज हिज नेम इज ऑन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स. जब तक रजिस्टर के ऊपर नाम रहेगा, ठीक है, तब तक मैं मेंबर रहूंगी. ऑल दो मैंने अपने शेयर्स को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया. अगर शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, बट जब तक मेरा नेम रजिस्टर पे है मैं मेंबर हूं. सिमिलरली जिसको मैंने ट्रांसफर करा वो क्या बन गया, वो शेयर होल्डर तो बन गया लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकता. तब तक मेंबर नहीं बन सकता जब तक उस रजिस्टर पे उसका नेम नहीं लिखा जाएगा. अब बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम आ रही है आपके सामने, ये देखो, शी इज एमा, ब्यूटीफुल है ना. एंड इसने क्या करा, इसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए इस आदमी को जिसका नाम है एक्स. ठीक है, अब एमा ने क्या करा, अपने शेयर्स एक्स को ट्रांसफर कर दिए. अब इसमें से ट्रांसफरर कौन है, एमा. ठीक है, ट्रांसफरी कौन है जिसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक्स. अब जैसे ही एमा ने शेयर्स ट्रांसफर करे, एमा शेयर होल्डर नहीं रही लेकिन एक्स शेयर होल्डर बन गया. लेकिन अभी तक एमा का नाम रजिस्टर में से स्ट्रक ऑफ नहीं किया गया, तो जब तक रजिस्टर में से स्ट्रक ऑफ नहीं किया गया शी इज स्टिल मेंबर ऑफ द कंपनी. और अभी तक एक्स का नाम रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया करा गया, तो जब तक एक्स का नाम रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तब तक एक्स कंपनी का मेंबर नहीं है. तो क्लियर हुआ है ये सारे पॉइंट्स आपको? वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. अच्छा, अब आ जाती है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो राइट, जो राइट होते हैं ना शेयर होल्डर और मेंबर्स के, वो बुक में कंबाइंडली दे रखे हैं तो हम कंबाइंडली करेंगे. ठीक है,
तो कुछ राइट्स ना बच्चे इंडिविजुअली होते हैं, एक एक पर्सन के पास वो हक है, वो राइट है, और कुछ राइट्स होते हैं कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स, हम इसको कलेक्टिव राइट्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ राइट्स होते हैं इंडिविजुअल और कुछ होते हैं कलेक्टिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल के क्या क्या राइट्स होते हैं, चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो कहते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन को राइट्स दिए जाते हैं एज मेंबर, एज शेयर होल्डर, उससे कोई भी वो राइट्स वापस नहीं ले सकता अनलेस दे कंसेंट। जब तक बंदे की अपनी मर्जी नहीं होगी ना, तब तक उससे कोई भी ये राइट्स छीन नहीं सकता। तो सबसे पहला राइट क्या है, उसे पूरा हक है कि अगर उसने शेयर्स परचेज करे हैं कंपनी के, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इशू किया जाए विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। दूसरा, अगर मैं शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहती हूं, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकूं सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल, बट मुझे उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आर्टिकल ने या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इम्पोज करी गई है। ठीक है, फिर मेरे पास पूरा हक है कि मैं मीटिंग्स अटेंड करूं, मुझे प्रॉपर नोटिस भेजे जाए और मैं वोट दे सकूं, ये मेरे राइट है। ठीक है, फिर अगर मैं चाहती हूं कि मुझे मेमोरेंडम की कॉपी प्रोवाइड करो, भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो आर्टिकल की कॉपी चाहिए, तो मैं जब रिक्वेस्ट करूंगी और प्रिस्क्राइब्ड फी पे करूंगी, तो मेरा पूरा हक बनता है उनकी कॉपीज को ऑब्टेन करने का। ठीक है, फिर जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी, भाई मेरा पहला हक बनता है टू हैव द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय एनी न्यू शेयर्स ऑन अ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। तो ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग क्या होते हैं, जैसे कोई भी जर्नल मीटिंग हो रही है, तो जर्नल मीटिंग में एक ने ये बोल दिया, इमीडिएटली दूसरे ने वो बोला, तीसरे ने ये बोला, तो वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग। तो मान लो कि मैंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी और उस मीटिंग का मुझे अकेला अकेला पॉइंट चाहिए कि मीटिंग में बात क्या हुई थी, ठीक है, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग चाहिए, तो वो भी ऑब्टेन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इजी है ना पॉइंट्स। ओके, आगे और इजी है। देखो कहते हैं अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी चाहिए, बैलेंस शीट की कॉपी चाहिए, तो आई कैन ऑब्टेन। ठीक है, फिर अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट और वन और मोर कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर बाय द गवर्नमेंट, जो कि कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मेरा पूरा राइट बनता है कि अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी ऑडिटर को या ऑडिटर्स, मोर देन वन ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाए एनुअल जर्नल मीटिंग में, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, फिर आपका पूरा राइट बनता है कि ऑडिटर ने जो भी रिपोर्ट बनाई है, आप उसको इंस्पेक्ट कर सको, मतलब अगर देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो। फिर कोई भी सरप्लस आता है, जब भी लिक्विडेट होती है कंपनी, ठीक है, कंपनी लिक्विडेट हुई, कंपनी बंद हुई, जरूरी तो नहीं है हमेशा नुकसान ही होगा, कई बार हमें सरप्लस भी बच जाता है, मतलब सारी एक्सटर्नल पेमेंट्स करने के बाद मेरे पास कुछ सरप्लस बच गया, तो मेरा पूरा राइट बनता है मेंबर का और शेयर होल्डर का पूरा राइट बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा इनको भी दिया जाए। ठीक है, फिर जब भी कोई लिक्विडेटर आया है, लिक्विडेटर कौन होता है, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे गवर्नमेंट भेजती है कि इनकी कंपनी को बंद करके आओ, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको डिस्चार्ज करो अकॉर्डिंगली। तो कहते हैं जब भी आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहे हो, वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से मैं अपनी कंपनी बंद कर रही हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मुझे किसी लाइक लिक्विडेटर की रेमुनरेशन फिक्स करनी है या उसको अपॉइंट करना है, तो इस डिसीजन में भी मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ एज मेंबर, एज शेयर होल्डर। क्लियर, फिर आ गया कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स। ये कौन से राइट्स होते हैं, मेंबर्स हैव आल्सो सर्टेन राइट्स एज अ ग्रुप, ग्रुप में ये राइट्स होते हैं, और कहते हैं दीज राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द मेजॉरिटी, मतलब ये होता है ना 10 में से अगर 7 बंदे एक तरफ हैं, ठीक है, तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन 10 में से अगर 4 ही बंदे उसके फेवर में हैं,
तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो कुछ मतलब राइट्स आपके पास इस तरह के होते हैं जिसमें ना आपको मेजॉरिटी के बेसिस पे जो है वो डिसीजन लिया जाता है। जैसे कहते हैं जब मेजॉरिटी ओप्रेसिव हो जाती है, एंटी हो जाती है, एक्यूज हो जाती है, दुखी हो जाती है मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मेजॉरिटी लोग दुखी हैं, कंपनी वो कह रहे हैं कि मिसमैनेज की जा रही है, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अपनी अपील लेके अंडर सेक्शन 241 एंड 242 फॉर रिलीफ। लेकिन ऐसे ही नहीं जा सकते, मेजॉरिटी देखो, अगर वो मेजॉरिटी है तो वो जा सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 244 क्या कहता है, वो कहता है देखो दो तरह की कंपनी होती है, एक विद शेयर कैपिटल होती है, एक विदाउट शेयर कैपिटल होती है, दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पहले हम बात करते हैं विद शेयर कैपिटल, तो कहते हैं जहां पे मेजॉरिटी ओप्रेसिव हो गई है, मिसमैनेजमेंट से दुखी है, और वो कंपनी कौन सी है, विद शेयर कैपिटल, तो वो ट्रिब्यूनल के पास कब जा सकती है, या तो कम से कम 100 मेंबर्स हो इकट्ठे, 100 मेंबर्स कह रहे हैं कि हाँ हम दुखी हैं, या फिर जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 1/10, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, या इसके अलावा जितनी भी इशूड शेयर कैपिटल है उसके 1/10, मतलब कि जितने मेंबर इकट्ठे होके कह रहे हैं ना कि हम दुखी हैं, उनके पास टोटल 1/10 शेयर कैपिटल होनी चाहिए, जितने भी लोग, चाहे वो 5 है, चाहे वो 10 है, बट उनकी टोटल कैपिटल मिला के इशूड शेयर कैपिटल का 1/10 होना चाहिए, तब वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब विदाउट शेयर कैपिटल में इजी है, कहते जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसके 1/5, अगर तो टोटल मेंबर्स के 1/5 एक साइड है तो वो डिसीजन ले लिया जा सकता है, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब सेकंड क्या कहते हैं, कहते अगर कई बार मेंबर्स चाहते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाए, दे वॉन्ट टू कॉल, दे वॉन्ट टू रिक्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं वो, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बुला सकते भाई। अगेन कंपनी दो तरह की होती है, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। अब पहले विद शेयर कैपिटल की बात करते हैं, सेक्शन 100 क्या कहता है, सेक्शन 100 कहता है कि टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 1/10, मतलब इस साइड पे मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं, अगर वो मेंबर्स की टोटल कैपिटल कितनी बन रही है, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। विदाउट शेयर कैपिटल में वो कहते 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब मान लो टोटल वोटिंग पावर का 1/10 निकाल लो पहले, कितना बनता है, तो अब जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं उनके पास अगर 1/10 वोटिंग पावर है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला सकते, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169, अगर आप किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो तो बाईपासिंग रेजोल्यूशन विद मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करके इन द कंपनीज मीटिंग यू कैन रिमूव दैट डायरेक्टर, क्लियर। फिर सेक्शन 210 क्या कहता है, सेक्शन 210 कहता है मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कहते सेक्शन 210 के अकॉर्डिंगली जितने भी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग, कि वो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करे या फिर वो अपॉइंट करे गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर भेजो जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड हो, तो इन दोनों बातों के लिए भी आप एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हो, क्लियर एवरीवन। लास्ट आ जाता है लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, इट्स टू इजी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि तीन तरह की लायबिलिटी होती है, कौन कौन सी, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि आप लोग लायबल हो फॉर द होल डेट्स, ऑल द डेट्स, घर बार सब कुछ बिक सकता है आपका, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, आपको सारे डेट्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट तक आपने गारंटी ली है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जब भी कंपनी वाउंड अप होगी
ठीक है, तो मैं 50,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो मतलब मैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कंपनी अगर उसके डेट्स पड़े हैं, है ना, देने वाले पैसे ज्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, तो आई हैव टू कंट्रीब्यूट दैट 50,000। ठीक, तो लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटुक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ऑब्वियसली अगर मैंने 100 रुपए का शेयर परचेज करा है तो मेरी लाइबिलिटी 100 तक की ही है, और अगर मैं 100 के 100 पहले पे कर चुकी हूं तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? निल। देखो क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स। अगर शेयर्स के ऊपर कुछ भी अनपेड अमाउंट है तो ही वो मेरी लाइबिलिटी बनती है। इफ हिज शेयर्स आर फुली पेड, his liability is nil. So this was all about the topic, rights and liabilities. जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। So hopefully आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। So have a nice day. दिसंबर में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्रिपेयर वेल। यूनिट 2 पूरा का पूरा अपलोडेड है ऑन द यूट्यूब, और यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्दी ही हम कंपनी लॉ का सिलेबस पूरा फिनिश कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।